दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहां पे मैं बात करने वाला हूं दोस्तों एक ऐसे स्टॉक की, एक ऐसे रेलवे स्टॉक की जो खबर निकल के आई है दोस्तों, उससे आपको समझ में आएगा कि क्यों इस स्टॉक को हर कोई कहता है। जब ये स्टॉक बहुत ज्यादा गिरावट में चल रहा था तब इसे क्यों कहा जा रहा था कि भाई खरीदिए, ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से एक बहुत बहुत शानदार स्टॉक है। और जो गवर्नमेंट का डेटा निकल के आया दोस्तों वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं उत्साह देने वाला है, वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है शानदार है। क्या है पूरा मामला, क्यों इसको लेकर के जो निवेशक है उन्हें खुश होना चाहिए और कितनी ज्यादा आने वाले समय में ये एक इंपॉर्टेंट स्टॉक हो सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए IRFC दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट सही रहा है दोस्तों, 0.5% के आसपास की गिरावट हुई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा दिखाऊं तो स्टॉक ने पिछले एक साल में फिनोमिनल रिटर्न दिए हैं, बल्कि अगर आप निचले स्तरों से देखेंगे तो एक समय में ये तेजी दोस्तों 82% ज्यादा थी। जी हाँ दोस्तों, 82% से ज्यादा की कह लीजिए अपने निवेशकों को इसने रिटर्न दिए थे। अब आप कह सके थोड़ा सा ये ऊपर नीचे करता हुआ दिखाई दे रहा है, बीच में 27 रुपए के आसपास भी गया। और आपको बता दूं ये जो लेवल ना 27.50, आप याद रखिएगा ये जो 27 रुपए और 50 पैसे, अब इसके लिए IRFC के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट बन चुका है। जब तक 27 रुपए 50 पैसे नहीं टूट जाते दोस्तों, कोई भी एक नेक्स्ट सेट ऑफ बड़ी गिरावट मुझे इस स्टॉक में नहीं दिखती है, ठीक है। तो वो निवेशक जो सोच रहे कि भाई ऐसा कौन सा लेवल है जहां को टूटने के बाद स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आ सकती है, दोस्तों मैं बता दूं 27 रुपए 50 पैसे और उसके बाद जो 25 रुपए दोस्तों वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो है ही दोस्तों, ठीक है। 27 50 25 रुपए एक ह्यूज साइकोलॉजिकल सपोर्ट है स्टॉक के लिए, और अगर 25 से नीचे जाता है तो फिर गिरावट थोड़ी सीवियर हो सकती है, लेकिन करंट सिनेरियो में ऐसा होना मुझे थोड़ा टफ लग रहा है दोस्तों। मेन अब अगली बार से जो क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं वो किस तरह से रहेंगे वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं आगे चलूं और आपको दिखाऊं दोस्तों कि आखिर खबर क्या है, तो देखिए IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC पेस 903 करोड़ एंड रुपीज 78 करोड़ एज डिविडेंड टू गवर्नमेंट। 903 करोड़ रुपए दोस्तों IRFC ने पे किया है गवर्नमेंट को एज अ डिविडेंड, ठीक है। और भी अगर कोई कंपनीज की बात करें, 503 करोड़ और 66 करोड़ हैव आल्सो बीन रिसीव्ड फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से दोस्तों 503 करोड़ और 66 करोड़ रुपए मिले हैं राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर से। यानी इस बार जो डिविडेंड दिए कंपनियों ने वो बहुत बहुत शानदार डिविडेंड मिला है। अब बात करें भाई आगे, तो आप देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड रुपीज 903 करोड़ एंड 78 करोड़ फ्रॉम द IRFC एंड रिट्स लिमिटेड रेस्पेक्टिवली डिविडेंड ट्रेंचेस, ठीक है। 903 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को मिले IRFC से और रीट से दोस्तों 78 करोड़ रुपए। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एस्टिमेट मैनेजमेंट दीपम ट्वीटेड द इंफॉर्मेशन थ्रू द ट्विटर हैंडल ऑफ दीपम सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे, ठीक है। दीपम दोस्तों की एक गवर्नमेंट की एक ब्रांच है, इसकी तरफ से ट्वीट किया गया ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। It further informed that ₹503 crore and 66 crore have also been received from HAL and Rashtriya Fertilizer Society as dividend tranches. Now, public sector undertaking PSUs are required to pay to the government a minimum annual dividend of 30% of their profit or 5% of their net worth. देखिए, as a investor आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये pay क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक rule है जिसके हिसाब से जो PSU है दोस्तों, जितने भी PSUs हैं, उन्हें गवर्नमेंट को दोस्तों मिनिमम एनुअल 30% ऑफ देयर प्रॉफिट, यानी अगर भाई वो 100 रुपए कमाए ना तो उसका 30% यानी 30 रुपए उन्हें गवर्नमेंट को डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर ये 30% नहीं है तो जो 5% का टोटल नेटवर्थ है उसका इन्हें डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो उसी रूल के तहत आपको ये कंपनी देख रही है कि आपको ये पे कर रही है गवर्नमेंट को। अब आप समझिए कि अभी जो PSUs का समय चल रहा है दोस्तों वो बहुत बहुत शानदार चल रहा है, और IRFC को लेकर के जो एक खबर निकल के आई है मुझे लगता है वो बहुत बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देने वाली है, और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर IRFC में जो निवेशकों का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाती है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस और खास करके ये जो कंपनीज PSUs होती हैं
वो जितना पेमेंट कर रही है उसके ऊपर जो रूल, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।